सो मैं अभी घर से निकलूँगी फॉर जैसलमेर ट्रिप, जो कि सिर्फ 2 दिन की है। मतलब आज फ्राइडे हो रही है, मैं फ्राइडे के रात को निकलूँगी एंड सैटरडे सुबह पहुँचूँगी। एंड अर्ली मॉर्निंग चेक इन करके होटल में हम तैयार होंगे और फिर बाहर जाएंगे, और जो भी हम करने वाले हैं, प्लान जो भी है हमारा, वो मैं आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में। सो स्टे ट्यून। चलते हैं। ये मेरा लुक है जब भी मैं रोड ट्रिप पे जाती हूँ, तो मैं कुछ ढीले ढीले कपड़े पहनती हूँ बिकॉज वो कंफर्टेबल होते हैं। एंड अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाने के लिए, हम खाएंगे खाना, डिनर करेंगे, फिर निकलेंगे हम जैसलमेर के लिए। अभी हम हिम्मत नगर के एक रेस्टोरेंट में है। इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है भैया? रेस्टोरेंट का नाम क्या है? काका पाव भाजी होटल। हम काका पाव भाजी होटल में हैं अभी, और यहाँ पे हम अभी कुछ ऑर्डर करेंगे और मस्त सा खाना खाएंगे। भूख बड़ी ज़ोर की लगी हुई है मुझे। चलो दाल फ्राई रोटी कर दो इसके लिए। हाँ रोटी। और क्या हुआ तनु, तेरे तेरे चॉइस की कुछ मिल नहीं रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा यार। दाल बाटी नहीं। क्या चाहिए तेरे को? दाल बाटी चाहिए मेरे को। दाल बाटी चाहिए। खा खा के दाल बाटी जैसी हो गई। और कितना दाल बाटी चाहिए? ये यहाँ का फेमस लहसुनिया बटाका है। लहसुनिया बटाका बोलते हैं ना। और ये दाल फ्राई है जो ये खा रही है, ये डाइटिंग फेयर है। थैंक यू। शक्ल देख लो इसकी, शक्ल देखो सब। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं ये मोहतरमा, तो बस फ्रेश होना है, फ्रेश होना का नाम लगा रखिए। सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं हमारे ये होटल पे। अभी हम फ्रेश होंगे और फिर हम जाएंगे सिटी घूमने, एंड देन उसके बाद हम शाम का क्या प्लान है हमारा? डेजर्ट शो देखेंगे हम शाम में। सो अभी हम फ्रेश होंगे एंड डेजर्ट नहीं खाएंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे। हम सब फ्रेश हो गए हैं, नहा वहा लिया हमने, मस्त न्यू कपड़े पहन लिए हमने। मैं भी हो गई फ्रेश, लग रहा है ना? ये हमारी दूसरी मोहतरमा है। यो क्यों? आई नीड फूड। ओके खाना है, भूख लगी है। ठीक है, हम सब ने अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पिया है और पानी पे जी रहे हैं हम। और अभी दिन के 1 बज रहे हैं, तो अभी हम कुछ खाने जाएंगे। ये तो मैडम नॉन वेज ही खाएगी। हम सभी नॉन वेज खाएंगे सिवाय अज्जू को। हाँ, ये वेजिटेरियन है अज्जू। प्योर वेजिटेरियन। ये प्योर वेजिटेरियन है हमारे ग्रुप में, और सबके सब नॉन वेज खाते हैं। तो अभी हम नॉन वेज में कुछ टेस्ट करेंगे यहाँ का, जैसलमेर का। सो खाना खाना खाना। हाँ ये मस्त है। हाँ खाना 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 दे दो रे। मैं अभी खाना खा लिया है, और ये देखो इसका मुंह देखो, खाना खाने के बाद क्या हो गया? नींद आ रही। लो ऐसे लोग कहाँ घूमे हैं? कहाँ से जाना है? अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। नींद आ रही। सब सो रहे हैं, वो भी सो रही है। क्या तुझे भी नींद आ रही है? लटकना है। सो ये है मेरा टेंट वाला रूम,
एंड अभी हम यहीं पे थोड़ी देर रहेंगे, या तो हम सोच रहे हैं कि हम नाइट स्टे यहीं करें, बिकॉज मुझे अच्छा लगा ये टेंट रूम एंड एक्सपीरियंस करना चाहिए ये चीज़। और अभी हम यहीं से डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे। फ़िलहाल हमने चाय ऑर्डर की है, मस्त अदरक वाली चाय, और गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए गर्मी की वजह से थोड़ा हल्का हल्का सर दुख रहा है मेरा, बट कोई नहीं। अभी शाम के कुछ 5 बज रहे हैं यहाँ पे एंड अभी हम मस्त चाय पिएंगे। वी आर गोइंग फॉर पता नहीं सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। हम डेजर्ट सफारी के लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं वेट करते करते, और अभी तक हमारा कैमल नहीं आया है। मैं आ गया है गाइस, अभी हमारे कैमल्स आ गए, सो मैं भी कैमल में बैठूंगी। अजय भाई कर रहे हो, मैं अकेला छोड़ूंगा। हाउ आर यू? मैं इस मोटी को नहीं बैठाऊंगी अपने साथ, तेरे को नहीं बैठा रहे वाली मैं अकेले बैठूंगी, मैं जीवन के साथ। पता चला गिर गई हमारे पीछे एक और आ रहे हैं। अबे हिलेगा नहीं तो चलेगा कैसे? क्या इसका नाम रॉकेट है? ओके रॉकेट, हम समझ गए। कौन है डैनियल? डैनियल डैनियल है, रॉकेट है, रॉकेट को जमाई आ रही है क्या? अच्छा वो पोज है, अच्छा पोज है, ये है रॉकेट, रॉकेट हाय रॉकेट। हाँ बस आधे से ज़्यादा किलो मिट्टी में हमारे मुंह पे आ गई है, और बाल में मिट्टी है, हर जगह मिट्टी है, मिट्टी खा चुके हम लोग। बस यही बोल रहा था, बेवजह का मेकअप हम करके आ रहे हैं, और अभी हमारा स्वागत होगा। फेस्टिवल है तो अपने को अच्छा ही फेस्टिवल देखने को मिल जाए, तो वो वहाँ पे गाड़ी चल रही है, यहाँ पे देखा था केसरिया थकी थी मैं, सो मैंने कुछ नहीं डाला, मैं सीधे सो गई थी। हम सब उस फेस्टिवल में गए थे, देन फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिकॉज बहुत रेत 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 थे, टीले थे रेत के ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जल्दी जल्दी इतनी थकान लगी थी कि हम आके खाना खा के सो गए। सो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ एंड अभी हम मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में पोहा है यहाँ पे एंड ऑब्वियसली
से गुड मॉर्निंग. और आज भी हमारे थोड़े बहुत प्लान हैं, फिर आज शाम को हम निकल जाएंगे वापस गुजरात के लिए. सो गाइस, हम अभी रेडी हो गए हैं और हमने अपना टेंट वाला रूम छोड़ दिया है. सो हम सब फ्रेशन अप हो गए हैं, सब रेडी हो गए हैं. जीवन कैसा है तू? नींद में तू? अभी उसकी सुबह ही नहीं हुई है. मैडम मोहतरमा आलम चश्मे निकाल लेती है ये तो यार, जब भी कुछ भी फोटो वोटो चश्मे निकाल के लुक देना चालू कर देती है. अच्छी लग रही है. अच्छा तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कब बोल रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं हम? अभी जा रहे हैं खाना खाने, बहुत भूख लगी है. ठीक है, अभी हम खाना कुलधारा जाएंगे फिर जाएंगे. अच्छा पहले हम कुलधारा जाएंगे फिर हम खाना खाने जाएंगे. वैसे तो हमने पोहा खाया था, चाय खाया. कुलधारा मैं नहीं जाऊँगी, वहाँ पे भूत है. क्या भूत है वहाँ पे? कौन बोला तुमको ये? मैंने यूट्यूब पे देखा था. पैस नहीं करने आया बिकॉज इस मोहतरमा को कल से इसने रट लगा रखा था कि मेरे को पैराशूट पर लटकना है. याद आ रहा है आपको? हाँ, ये मोहतरमा अभी हम लटकेंगे. हाँ. उड़ेगे मतलब उड़ने से लगा मिस्टर रनू. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और जब भी आप कोई भी जैसलमेर आओ प्लीज ट्राई कीजिएगा. इसको क्या बोलते हैं अंकल? क्या पैरास्लिंग? सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ लटकने मतलब उड़ने. सुपरमैन अच्छा मैं ही हूँ सुपरमैन. ओके, अगर आपको आना है यहाँ पे और ये चीज़ ट्राई करनी है तो आप वीर एडवेंचर में आ सकते हैं. वीर स्पोर्ट डेजर्ट बाइक एडवेंचर में आ सकते हैं अगर आपको ट्राई करना है. मैं वापस अगर कभी आऊँगी जैसलमेर तो पक्का ये वापस ट्राई करूँगी बिकॉज मुझे सीरियसली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा यार. ऐसा वो गाना याद आ रहा है, हम तो उड़ गए. पता नहीं आपको कैसा लगा धूल मिट्टी चाट के. मेरे से बात करें? हाँ. कैसा लगा आपको धूल मिट्टी चाट के? नहीं चटनी चाहिए. उनके साथ साथ फोन में भी धूल मिट्टी चाट ली. कैसा लगा आपको अज्जू भाई? अरे बहुत बहुत और बहुत और बहुत. आगे गाड़ी नहीं मिल रही. धूल थी बस यही बोलना था आपको. बहुत इतने बहुत बोलने के बाद अरे मेरे क्या है वो कंठ में भी धूल चली गई है. ओ बाप रे, नीलकंठ. नीलकंठ नहीं स्वर कंठ. हमारा स्वर कंठ गले का स्वर होता है ना. हमारा स्वर कंठ को आज तक कभी स्वर लगा नहीं. अरे एसी करो नहीं. ये राजस्थानी. हम पहुंच गए कुलधारा में. ब्यूटीफुल इस ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे सिर्फ खंडर ही खंडर है जैसा आप देख सकते हो. ये एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, अभी फिलहाल इसको खंडर बोला जाता है. यहाँ पे रहता नहीं है. बहुत सारी आपने इसके बारे में कहानियाँ भी सुनी होगी एंड इसको एक हॉरर प्लेस भी बोलते हैं. सोचो अगर आपको इधर अकेले भेज दिया जाए अंदर रात में रहने के लिए तो क्या हालत होगी. हेलो एवरीबॉडी, सिनेरियो कुलधारा का. व्हाई यू आर नॉट कमिंग इन? फट्टू सबसे ज़्यादा फट्टू है हमारे ग्रुप की. तन्नु को डर नहीं लगता वैसे. सो ये एक रूम जैसा है, वो अंदर भी रूम है. ठीक है, ये सब खंडर है मतलब पुराने खंडर. मेरे मास्क पे चॉकलेट लग गया, मैं चॉकलेट खा रही थी. सो ऐसे ही आपको खंडर दिखेंगे यहाँ पे कुलधारा में. जाओ तुम जाओ, पहले जाओ. अंधेरा कायम रहे. अबे
बट हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स लिए हैं. सो स्टे ट्यून ऑन अवर इंस्टाग्राम हैंडल्स. आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं हमने जो भी फोटोशूट किया है यहाँ पे. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर लंच बिकॉज वी आर सो हंग्री. सो चलते हैं यार लंच के लिए. वॉशरूम भी जाना है यार. पर फिर से खाना खा लिया और मैंने आपको बताया नहीं हमने क्या क्या खाया था. ये क्या था? गोश्त का राजस्थानी मटन. राजस्थानी मटन खाया हमने. चिकन बिरयानी मंगवाया था एंड मैंने लच्छा पराठा मंगवाया था जो ऐसा कर दिया एंड छास. सॉरी गाइस, नीबूज भी है. नीबूज. सॉरी गाइस, हम लोग दिखाना भूल गए आपको क्या खाया था. नाम से पुकारा जाता है. फर्स्ट में हम इसको बोलते हैं त्रिकुटगढ़. त्रिकुटगढ़ इसलिए बोलते हैं कि जैसलमेर किला जो बसा हुआ है ये तीन भाग में बसा हुआ है. एक भाग में राजपूत लोग रहते हैं, बीच में ये पैलेस बना हुआ है, एक भाग में क्योंकि आज की तारीख में किले के अंदर अभी भी 4000 लोग रहते हैं. हाँ, सेकेंड में इसको बोलते हैं मेरू पहाड़. किला जो बना हुआ है एक पहाड़ पर बना हुआ है, इस पहाड़ का नाम मेरू. थर्ड में इसको बोलते हैं सोनार किले के नाम से क्योंकि जैसलमेर का जो पत्थर है ये सोने जैसा है, तो जैसलमेर को सोन नगरी के नाम से पुकारा जाता है. ये मारा हुआ सालिवान सिंह जैसलमेर के जिन राजाओं ने राज किया उनसे हाईएस्ट महाराजा और हेल्थी महाराजा यही थे. इनकी 7.5 फीट हाइट थी और 250 किलो वजन था. भैया को लूट लिया है. आदमी वीडियोस बनाओ. हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे और इसने इतना डिस्काउंट लिया है. अगर आप कभी भी जैसलमेर आए तो यहाँ से आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद सकते हैं. मैंने भी यहाँ से लिया है और मैंने अभी चेंज कर लिया अपने कपड़े. मुझे अच्छा लगा. सो तो हमने अभी शॉपिंग कर ली है. ये देखो इनको शॉपिंग के बैग्स दिखा दो सब. मेरे बैग्स पीछे है. सबसे ज्यादा तो शॉपिंग तूने की. हाँ, सोफिया ने सबसे ज्यादा शॉपिंग की. आने से पहले भी की और यहाँ से भी कर रही है. सो हमको मत बोले. जितना हम दोनों का बिल बना इतना अकेली सोफिया का बना है. हम उससे भी ज्यादा. उससे भी ज्यादा. लेकिन ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो. और कमेंट में बताना हमें कि गैस करके बताना कि हमारा बिल कितना होगा और सोफिया का कितना होगा. वही मैं कमेंट पढ़ूंगी. ठीक है, कमेंट में बता देना कि मेरा बिल कितना हुआ होगा शॉपिंग का और इन दोनों का कितना हुआ होगा. सो अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं. हम अभी फोर्ट पे ही थे. फोर्ट पे हमने पूरा फोर्ट घूमा और फिर अभी उसके बाद नीचे आके थोड़ी शॉपिंग की. जो इनका मार्केट है यहाँ पे वहाँ से बहुत अच्छे कलेक्शन है यार. मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जाके. वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं जैसलमेर से. मैं वहाँ पे पक्का बताऊँगी, शूट आउट करूँगी मैं अपने जो भी मैंने ड्रेसेस लिए हैं और वन पीस लिए हैं यहाँ से. एंड अभी हम यहाँ से लेक जाएंगे
एंड देन उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे. सो लेट्स गो. सो गाइज, मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ. सॉरी मैंने रात में अपडेट नहीं दिया लेक के बाद, क्योंकि एक्चुअली मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी. एंड फिर उसके बाद कार में बैठने के बाद वो चार्जिंग पे रख दी, पर फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई और मैंने वो पार्ट दिखाया नहीं. हम वापस आ रहे थे एंड कुछ भी मैंने वो पार्ट डाला नहीं ब्लॉग का. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है पीछे. आज मेरी मम्मी का बर्थडे है 1st मार्च. सो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट लूँगी पहले, फिर बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी. आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ब्लॉग, एंड डू सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए.